आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लाल टेन के 655वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर एक फिश एक्वेरियम में। फ़िश एक्वेरियम वैसे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और यहाँ पर साइंस सिटी को बच्चों और हर आगंतुक के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। अधिक उन्नत एक्वेरियम, भारत की सबसे बड़ी एक्वेरियम, एक्वेटिक गैलरी और रोबोटिक गैलरी इसे माना जाता है, जनता के लिए, आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया है। साइंस सिटी को पर्यटकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। ये विशेषकर छोटे बच्चे और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटक यहाँ आते हैं, आगंतुक यहाँ आते हैं, अहमदाबाद शहर के हों या कहीं और के। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन सी मछली। ये अपने साथ वालों को बता रहे हैं कि यहाँ कौन सी मछली है। हर मछली के बारे में यहाँ पर वर्णन आपको मिलेगा, लिखा हुआ इस यहाँ पर मिलेगा। दुनिया में भर में संग्रहालय तो बहुत सारे हैं, उसमें से शिक्षाप्रद जगहें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। संग्रहालय ज्ञान के भंडार हैं और इस कायनात को, इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में ये ही जो संग्रहालय हैं वो मदद करते हैं। समाज के केंद्र में स्थित संस्थानों के रूप में संग्रहालय में एक स्थायी भविष्य को परिभाषित करने की ताकत होती है। ऐसा ही एक संग्रहालय मीठे पानी और समुद्री परिस्थिति जन्य तंत्र का को एक साथ रख कर बनाया गया है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस साइंस सेंटर में के में स्थित इस एक्वेरियम का उद्घाटन 16 जुलाई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। एक्वेरियम बहुत ज़्यादा दुर्लभ कीमती जलीय दुनिया के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने, लोगों में जागरूकता पैदा करने, जागरूकता बढ़ाने के एक मंच के रूप में ये काम करता है। ये शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को यहाँ पर रखा गया है और लगभग 2.5 एकड़ के भूभाग में लगभग 1,50,000 1.5 लाख वर्ग फुट में इसका निर्माण किया गया है। विज्ञान और शिक्षा दोनों को मनोरंजन के तरीके से कैसे बच्चों और जिज्ञासुओं तक पहुंचाया जाए, इसकी एक प्रतिकृति ये दिखाई देती है। इस परियोजना को 2017 के अंत में शाहपुर जी पल्लोन जी ENC और मैरीन स्केप को कंसोर्टियम पार्टनर के रूप में संयुक्त रूप से इसे दिया गया था। मेरिस्केप ग्रुप न्यूजीलैंड की एक कंपनी है जो एक्वेरियम के डिजाइन, निर्माण, संचालन, प्रबंधन और स्वामित्व में लगातार सक्रिय है। इसका निर्माण 2018 से आरंभ हुआ था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 655वें एपिसोड आप देख रहे हैं। यहाँ आप देखिए अहमदाबाद का ये एक्वेरियम, फ़िश एक्वेरियम दिखा रहे हैं। फ़िश एक्वेरियम अगर आप कभी जाएं अहमदाबाद, अगर आप चाहते हैं तो साइंस सिटी ज़रूर जाइए। तरह तरह की मछलियां, विभिन्न प्रजातियों की मछलियां जो आपको सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देती हैं, उस तरीके की मछलियां आपको यहां पर दिखाई देंगी। हमने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में आपको जनवरी में भी अलग अलग तरह की मछलियों के बारे में बताया था। इसी साइंस सेंटर के बारे में हमने बताया था। एक बार फिर 6 महीने बाद जून में हम आपको उसी संदर्भ में आपको बता रहे हैं जो यहाँ पर मछलियों को जिस तरीके से रखा गया है, उन्हें प्राकृतिक वातावरण मिल सके इसका विशेष ध्यान रखा गया है। माफ़ कीजिएगा, पर्यटकों की सुविधा के लिए किस हिस्से में कौन सी, किस प्रजाति की मछली रखी हुई है, इसके बारे में भी प्रदर्शन किया गया है।
विभिन्न तरह की मछलियां हैं। आपको ये सारी की सारी मछलियां देखिए, कितनी सुंदर मछलियां और कितना विशाल ये एक्वेरियम यहां पर नज़र आता है। कितनी विशाल मछलियां आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। वास्तव में अद्भुत अकल्पनीय एक्वेरियम इसे कह सकते हैं, फिश एक्वेरियम निश्चित तौर पर इसे अद्भुत और अकल्पनीय फिश एक्वेरियम की संज्ञा इसे दी जा सकती है। ये एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर और कितनी अच्छी मछलियों की प्रजातियां यहां आपको दिखाई दे रही होंगी। आगे भी हम आपको इस फिश एक्वेरियम के बारे में बताएंगे। एक बार फिर हम आपको इस फिश एक्वेरियम में लेकर चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर कौन सी मछलियाँ हैं और कितनी वजन की होती हैं, कितने तापमान में ये रहती हैं और कहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में पूरा उल्लेख आपको इस फिश एक्वेरियम में मिलता है। अगर आप कहीं विद्यालय में पढ़ते हैं तो अपने विद्यालय प्रबंधन को एक बार सुझाएं कि इस फिश एक्वेरियम में, साइंस सेंटर में घूमने के लिए एक प्रोग्राम जरूर बनाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 655वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।